हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त ट्रिक्स। और वो ट्रिक आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इतने आसानी से आप क्रैक कर लोगे उस ट्रिक के जरिए। तो देखते हैं कि लेट्स सी आज का ट्रिक क्या है आपके लिए खास। यानी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, सर ये ट्रिक कैसा है, ये कैसा ट्रिक है माय डियर, कि आप बहुत बार गलती करते हो इस ट्रिक के जरिए। क्या गलती करते हैं, सवाल क्या आता है, पहले ये समझते हैं कि भारत के पहले राज्यपाल, दूसरे राज्यपाल, राज्यपाल यानी गवर्नर, या कहें कि बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल फिर पहले वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, सारा कुछ। तो आज इस ट्रिक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं बेसिक। तो गवर्नर जनरल क्या है, कि गवर्नर जनरल मुख्य रूप से आप देखोगे तो औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख थे, जिसकी शुरुआत आप देखोगे तो रॉबर्ट क्लाइव से होता है, जो बंगाल के केवल गवर्नर होते हैं ये। लेकिन यह पद ऑफिशियली 1773 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के खिताब के साथ बनाया गया था। यानी जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ट्रिक बताएंगे पहले समझ लेते हैं कुछ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कहा गया कि भाई अब जो बंगाल के गवर्नर हैं वो अब गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, और इनके अंदर कौन कौन आएगा तो मद्रास और बम्बई इनके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत पर जब ब्रिटिश अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरे भारत में फैल गया, तब जाकर 1833 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो क्या कहे जाने लगे, भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, याद रखिएगा बच्चे, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाने लगा। इसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के बाद एक एक्ट बना 1858 का एक्ट, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के जरिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और बोला भाई जो गवर्नर जनरल है वो खत्म करो, अब वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वायसराय कहलाएगा, जो विलियम बेंटिक तो पहले गवर्नर जनरल थे लेकिन यहाँ पर कैनिंग थे, वो बन गए अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और फिर पहले वायसराय। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि भारतीय शासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब इससे क्या निकले आएगा, निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा। रॉबर्ट यानी बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हैं, हैसे वारन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हैं, विलियम, विलियम से विलियम बेंटिक, मैंने कार्यकाल भी दे दिया बगल में, तो विलियम बेंटिक वो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, और लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि वायसराय का पद खत्म हो गया यहां जब भारत की आजादी हुई। ठीक है, याद रखिएगा गवर्नर जनरल की शुरुआत है, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल, या कह दें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। लेकिन सिराज गोपालाचारी से दो सवाल बनते हैं, क्या क्या बनता है, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और ओवरऑल अगर कह दे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो हम सिराज गोपालाचारी लगा देंगे, चाहे वो इंडियन पूछे या ना पूछे, हम यही गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जब आपसे पूछता है कि भैया स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन लगाते हो, जो गलत होगा, सिराज गोपालाचारी को, क्योंकि इनके बाद गवर्नर का पद ही खत्म हो गया, हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इस ट्रिक के जरिए बिल्कुल चीज़ों को समझना। ठीक है, इस ट्रिक के जरिए बिल्कुल चीज़ों को समझना, गलती मत करना बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक बिल्कुल धमाकेदार तरीके से पसंद आई होगी, और मेरा पेड पे प्लस पे
क्लास चल रहा है रेलवे कैटेगरी में 1240 पे, आप रेफरल कोड बाबा टेन लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें 7 मिनट ट्रिक्स को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, जय हिंद।